Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskaram, my name is Nikhil. Namaskaram, everyone. I'm Bani and I welcome you all to the Sorry TV. So, क्या है आज का दिन? Friday. 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 Weekend. Almost weekend. Date क्या है? 20 November 2020. And a much awaited song by Eka featuring Raftaar, Angaar is live. It got dropped on the official channel of Mass Appeal India, almost hitting approximately 200k, that is like 200k, yes, 200k views in just 2 hours, I think. So this is going to be like another block hitting thing on the YouTube, much awaited. और हम मैंने सुबह छोले भटूरे खाए हैं तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है तो आई एम जस्ट होपिंग दिस जस्ट पंप्स मी अप. सो Do you want to start the song? Yes. Or you want to say something before it? No, I just want to dive into the video. Let's just dive into the video, guys. Yes. प्रॉपर तरीके से सुनूं और एक एक चीज क्योंकि वो बहुत फास्ट गया था. जस्ट गिव मी अ सेक गाइस. एंड वी डोंट वांट टू मिस एनी बीट. सो गाइस, आई एम वेयरिंग माय साउंड स्पोर्ट्स almost 8mm drivers के साथ हैं. Bluetooth है, इतना मतलब deep नहीं होगा, but they capture every distant sound of it. So we'll try to get to it. I don't want to miss any beat of it. So just getting back into it. Yes. दोस्त तेरे माल भरे एक माफिया मुंडीर करके ग्रुप होता था इनका, इफ यू गाइस आर अवेयर, तो ये उसका पार्ट है. Did you listen to this? He said, शब्द मेरे शोले भरे अंगार हैं, कोड़ियों के भाव, शोला का भंडार है, कोड़ियों के भाव, तेरी कला भंगार है. I mean, this is like killing the haters, killing the haters. रफ्तार की ना रफ्तार ऑटोट्यून करता है. आई यूज टू थिंक दैट, ठीक है. फिर मैंने इनके लाइव इंटरव्यूज देखे, इनको मैंने रियलिटी शोज पे देखा, ऐसे लगता है ऑटोट्यून ना यहाँ फिट है. उनकी वॉइस ना मॉड्यूलेटेड है, मॉड्यूलेटेड वॉइस नेचुरल है, और उसको फ्लो ना ऐसे जाता है. और पीछे ना बीट देखना, बीट ना ऐसे स्लो डाउन होती है, लाइक
तो बीट ना ऐसे चल रहा है, देखना सिर्फ एक बार बीट को सुन रहा इन वन गो वी कैन नॉट डू दिस की हम लिरिक्स भी पकड़े और बीट भी पकड़े, नहीं तो बीच में थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन। गले मिले गले बारे और बात खास पास मेरी चीरने को दूसरा तैयार है तो तुक्का नहीं भाई, बस सब संभाल के चमक की गोलू की चुप वाली फाइट हथियारी फाइट, इसलिए जो मिली तो अगली मैं समझा दूंगा वाली लाइफ, शक्कर पे शक्कर दे शक्कर की शक्ल के भाइयों की बसर में दी जाना धक्कल दे धक्कल में अक्कल में भूसा तो भूसा ले नक्कल से बक्कल जो उतरी तो छापू मैं बक्कल में छोटे भी जीतेंगे पकड़ के चप्पल से ऊपर को खींचो तो नीचे को ढक्कल दे अपन ना बनते हैं तुझे की नक्कल के। ओ पबजी का ड्रॉप उड़ेगा स्वाट जो पड़े ग्रेनेड के माथे पे मॉडल साउंड से शॉट में हाइट पे ओ नॉक टू पॉट से लॉन्डे बैंड से रूप तो फटे तो गड्ढे गिरे तैयार है कीटाणु मैं तुम्हें मिटा दूं परमाणु, तू बोल बच्चन बनकर बच्चन की तरह मैं बना अपने दम पर, मैं हूँ महल तू बेटा खंडर इशारों पे नाचे तू वो काला बंदर, मैं हूँ लखन तू है विशंबर तू छोटी नाली में पड़ा सम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुडंट पॉज, मैं रफ्तार को पॉज नहीं करना क्या मैं चाहता था कि मैं उनके रोक के मैं दोबारा उसकी रैप लिरिक्स पे जाऊं, बट वो फ्लो इतना फास्ट था कि मैं ग्लू हो गया उस चीज से। आई जस्ट वॉन्ट कि ये इक्का ने बोला है, दिस इज प्लेइंग दिस अगेन गाइस, बच्चन बंद कर, मैं हूँ लखन तू है विशांबर, एक मिनट जाओ, नहीं लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम ओनली। हां हां मैं हूँ बेकाबू लाइक जैकी चैन तू काबू में लाइक पिकाचू, अब शक्कर रैप रफीका क्यों लगवा ले रैप लटीका तू, तुम्हें पॉप लगे कीटाणु मैं तुम्हें मिटा तू हिप हॉप लगे कीटाणु, बोल बच्चन बनकर बच्चन की तरह मैं बना अपने दम पर, मैं हूँ महल तू बेटा खंडर इशारा नाचे तू वो काला बंदर, मैं हूँ लखन तू है विशंबर छोटी नाली में पड़ा समंदर, ये एल्बम में दी अंडरग्राउंड जितना अपोकैलिप्स का बेटा बंकर, पहाड़ तू कैसे कर बाकी रकम पर भौंसे में अंकर, जैसे वो शंकर बोले की बोली तो सीधा पसंद कर, मेरी कला में अपने चरम पर नुकीला खंजर भेजे के अंदर छुड़ी लगा जो मैंने कलम पर कलम कलम कर किसा खत्म कर, मैं पीटर पार कर तेरे मुंह में जाले झाड़ कर पैरों में आग पीटर पार तेरे मुंह में आले झाड़ कर, मैं पीटर पार कर तुम तेरे मुंह में आले झाड़ कर जल मैं पीटर पार कर तेरे मुंह में जाले झाड़ कर तुझे मार कर तू हार कर गिरा पैरों में आग कर, तू इस साल आराम कर मैं इस साल भी काम कर, तेरा पटे रे पटे कान पर तेरा भूत बना दूंगा भानगढ़ अंगार है, सब मेरे शोले भरा भंडार है, ओड़ियों के भाप तेरी तेरे कल अंगार है, मेरा गाना ड्रॉप मेरे फैंस को तैयार है, का परोपकार है दिल अंगार है, घूमने के लिए शूशा लंबी कार है, उड़ वाली बातचीत मेरी जमना पार है, पूरे जमना पार में बस अपना हाहाकार है, इक्का बैठा भीमर में और फैंस में रफ्तार है। एक अंगार एक का फीचरिंग रफ्तार, ये क्या निकाल दिया इन्होंने, मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि ये इतना फाड़ सॉन्ग जाने वाला है, आई मीन लाइक दिस इज फकिंग एपिक। मेरा मन कर रहा है इसको अभी जस्ट जाके दोबारा प्ले करके फिर एक 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 करके मैं इसको करूं, बट आई मीन पीपल से कि हम बहुत ज्यादा रोकते हैं, बहुत ज्यादा रोकते हैं गाइस, वी स्टॉप बिकॉज़ वी वांट टू अंडरस्टैंड इट, वी जस्ट डोंट वांट टू लाइक आके कुछ भी बोल के चले जाए, बिकॉज़ वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट, एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्चुअली लिसन टू ईच एंड एवरी लिरिक्स थैंक्स टू द सबटाइटल्स जो अवेलेबल थे, अदरवाइज हम नहीं पकड़ पाते इस पे भी, स्पेशली जो रफ्तार ने बोला था, जिस रफ्तार से बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस वुड बी like killing the charts,
अभी जैसा मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ, दिस इज हिटिंग ऑलमोस्ट लाइक इन 2 hours 200K व्यूज डाउन द लाइन. जैसे फ्राइडे है, लोग अभी कहीं कोई वर्क पे होगा, वुड नॉट बी सीइंग द मैसेजेस, दे माइट हैव एडेड टू द वॉच लिस्ट की बाद में देखेंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वीकेंड संडे तक दिस वुड बी किलिंग अराउंड approximately touching 1 million views. Yeah. Approximately touching 1 million views. I think not even Sunday, maybe just Saturday. Because Nikhil, did you notice abhi recently, they're coming up with so good rap songs, jisme humne last time bhi review kiya tha, by MC Stan and by Emmy Way. We just heard MC Stan, we didn't review it. We didn't review it basically. We reviewed Emmy Way. Emmy Way. Saw Kadam. Saw Kadam. Emmy Way alag zone pe hai. Ye na thoda zyada, matlab, did you look at, I mean, ek hota hai ki, I would not like to compare it, first of all, ठीक है? हम एक comparison video कर सकते हैं, but it is not about कि किसी के कोई अच्छे lyrics आ जाते हैं. हर एक बंदा बैठता है लिखने और वो अपने thought process के according लिखता है, कोई अपनी life लिखता है और उसको कितने better महसूस करके वो अपने उस words को लिख के उसको rhyme करा सकते हैं. MMA के साथ क्या है कि I mentioned this in my last video में भी कि MMA non lyrical, मतलब lyrical है, sorry, non rhyming है. ठीक है, जैसे मैंने रैप कर रहा हूँ, जो पोइट्री है उसको राइम कराऊंगा, लेकिन वो पोइट्री राइम नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ राइम नहीं हो रही, बट एमी में जब कर रहा हूँ राइम हो रही है. ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू इक्का, मुझे आई थिंक राइमिंग्स थे नहीं, वेरी वेरी डिफाइंड लिरिक्स, वेरी ब्यूटीफुल डिफाइंड, की कैसा जमुना पार कल्चर है, कैसा क्लियर लिरिक्स, क्लियर लिरिक्स और रफ्तार ऑटो ट्यून नहीं करता है उसकी वॉइस मॉड्यूलेटेड मुझे क्यों लगती है. और Rafar is like killing shot. उनका अभी माइक ड्रॉप, माइक चेक आया था. We didn't review it, but we heard it like lot of times. हम बहुत काम करते हैं. हाँ, क्योंकि हम बहुत काम करते हैं. हमारे पास समय नहीं था. But we gathered time to do this because Ikka was coming and featuring Rafar, both of them. I think for Ikka you were waiting from yesterday. रात को डेढ़ बजे भी उठ के you went for a live session for the नहीं टीमर आया था एक. I'll maybe you can watch this video. बड़ी करी ये लकीर जो नसीब की, बचपन में हैप्पी मील के लिए रोया करता था, गर्मी में पंखे के नीचे सोया करता था, घर बड़ा बड़ी गाड़ी हूँ मैं दुआ करता था, आँखों में ऐसे सपने पे रोया करता था, जितने दुख थे आज उतने सुख है, देखो इस वक्त ने बदला कैसा रुख है, मेरे पास डेटे नहीं डेटे सारी बुक है, पिक्चर अभी बाकी बेटा ये तो फर्स्ट लुक है, आजकल शॉपिंग बिना प्राइस टैग देखे, आजकल घूमता हूँ रफ्तार लास्ट नाइट वेंट लाइव एंड प्लेड Ikka सॉन्ग एंड इट वॉज लाइक गिविंग अ टीजर दैट समथिंग बिग इज कमिंग. जो Ikka ने पहले डिलीवर किए हैं उससे बेटर कुछ आ रहा है. And trust me, it is justified. Yeah. Angaar is justified. And you look at the cinematography, जो इसमें video shoot हुआ है, जो amazing. इसमें DOP, UOP कौन है? मेरे को ये देखें जरा. Okay, this is guys. We are on the official page of Mass Appeal India. It says Rafar reunite after 10 years. Because हाँ, मुझे वो पूरी बात नहीं पता जब इनका group हुआ करता था. Yeah. और वो break. Mention Golu also. हाँ, वो इनका group हुआ करता था. ठीक है. तीन लोगों का. तीन नहीं, काफी लोग थे उसके अंदर. हनी सिंह भी था, बादशाह भी था, Ikka भी था, रफ्तार भी था, गोलू भी था. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुल आउट, आई माइट बी मिसिंग समथिंग ऑन दिस गाइस, जस्ट फिल मी अप. ही इज जस्ट मेंशन अबाउट गोलू एंड Ikka एंड रफ्तार. हां गाइस, फिल मी अप अगर ऐसा कुछ है तो. एंड इट वाज वेटेड बिकॉज़ दे आर रीयूनाइटेड अगेन Ikka एंड रफ्तार. ये उस टाइम का यार, वो जो गाना ने साडी मानू पुतनी ही लबणे ते यार बतेरे, हां उसमें माफिया मुंडी. हाँ, तो ये वो ग्रुप है. मुझे वो ग्रुप सर्च करना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन कौन मेंबर्स थे, बिकॉज उस टाइम पे इतना हम नहीं देखते थे, बट इस तरह से हम रिव्यू कर रहे थे, जस्ट गोइंग थ्रू इट. इट सेज Ikka एंड रफ्तार रीयूनाइट आफ्टर 10 इयर्स ऑफ Angaar विद म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय वंस इंडियन प्रीमियर प्रोड्यूसर सेज ऑन द बीट ऑफ गली बॉय फेम Angaar. दिस इज जस्ट वॉन्ट टू सी हु इज द आर्टिस्ट एंड लिरिक्स Ikka एंड फीचर एंड रफ्तार म्यूजिक प्रोडक्शन. वेयर इज डीओ डायरेक्टर एंड डीओपी मनीष शंटी. I do not know sir who you are, but amazingly shot. Look at the expressions when जब Ikka rap कर रहा है, वो ना एक जैसे word आता है ना, Angaar है मेरे शब्द शोला बन Angaar, तो उसके face पे एक ना वो दिख रहा है, मतलब what do you call that, एक
गुस्सा टाइप नहीं होता, हाँ मतलब वो दिख रहा है फायर दिख रहा है क्योंकि चेयर जल रही है, वो कर रहा है ये चीज, तो वो बहुत सही तरीके से शूट किया गया है और बहुत सही तरीके से, इट इज जस्ट वन शूट गाइस, क्योंकि वन एक सेट पे हुआ है और पूरा एक सेट में आप देखोगे वो स्टार्टिंग से आते हैं, फिर वो गाड़ी में बैठते हैं, फिर वो चेयर पे बैठते हैं, पहले वो गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं कि बीमर मेरे पास है, बेंच में बैठा रफ्तार है, देन ही मूव्स टू द चेयर जहां पे वो बर्निंग चेयर है, देन ही गोज बैक टू द कोरस अगेन जहां पे वो गा रहे हैं. यस, अमेजिंगली डिलीवर्ड. Guys, what we usually do is we jump into the comment section and look at what are all the favorite latest comments so that we also know kya chal raha hai, because that is the best thing to do on the trending videos. So guys, without just getting into the comment section. Thak gaya main bolte hue. Thank God. Okay, this is the first thing that Raftar wrote. Raftar wrote, ये गाना नहीं है हमारा सपना है, किया तो बहुत कुछ है पर ये दिन में मरते नहीं बोलूंगा, मरते नहीं भूलूंगा. बहुत शुक्रिया सबको, शुक्रिया अकी मैक्स और गोलू के सपना देखने के लिए. ओके, ही एक एक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर देम, राइट, जस्ट लाइकिंग इट. 1.4 के लाइक्स ऑलरेडी. किसी ने लिखा अंगार हैं, ट्रू अंगार हैं. आहा, समवन दैट इज कॉल्ड स्वॉट्रेक्स रोट, व्हेन लेजेंड्स कोलैब इज इक्वल टू अंगार हैं, दिस इज ट्रू ब्रदर, दिस इज ट्रू. यस, ओके, वी हैव अनदर कमेंट फ्रॉम कॉमन राज. मैं पीटर पाकर तेरे मुंह में जाले झाड़ कर, डैम डिडंट सॉ दैट कमिंग, सो दे वर वेटिंग बेसिकली फॉर द स्पाइडरमैन. हां, ये बहुत बहुत फाड़ू लाइन लिखा था, मैं पीटर पाकर तेरे मुंह में जाले झाड़ कर. और एक और था, तू हिप हॉप पे कीड़ा है, दैट इज लाइक क्रेजी. कीड़ा है लगा ले तो हिप हॉप का टीका, हां, समथिंग लाइक दिस. एंड दिस इज अब्बास अग्रवाल, ही सेज इका एंड रफ्तार बोथ हैव डोप कैमरा प्रेजेंस, ट्रू. I mean like got 94 making it 95 likes, I couldn't have the heart here to main isko heart bhi de deta. So this is good. Yes, I think someone good. Just wrote down the lyrics, pure lyrics likh diya yaar kisi ne pure. Oh, ha, this is so beautiful. Yes. 41, I mean people are like crazy, they just get into it. Yes, so guys, what you can do is you can get into the official page of Mass Appeal India and go to the comment section and enjoy it, or rather come to our सेक्शन जहां पे बहुत कम कमेंट्स हैं, जहां बहुत कम कमेंट्स हैं. लेट्स डू वन थिंग, हम भी एक लिरिक्स पब्लिश कर देते हैं. ठीक है गाइस, व्हाट आई विल डू इज व्हाट आई विल राइट समथिंग ऑफ माय थॉट प्रोसेस ऑन दिस ब्यूटीफुल डिलीवरी, आई विल पिन इट एंड लेट द डिस्कशन बिगिन इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू ब्रिंग योर होम लिरिक्स जो हम छोटा-छोटा लिखते हैं. वी नो कि वी एस्पायर टू बी समथिंग गुड, बेटर देन यस्टरडे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लिखते हैं. जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर हियर. यस, that is it from this video. If you have liked it, angar kar do us like button ko, jala do use. Yes, and if you're not the subscriber of this channel so far, please subscribe our channel and hit the bell icon so that you never miss a video from, never miss an angar video from us. Right, all right guys, this is Nikhil signing off, this is me Bani signing off, adios.